Hi everyone, this is me Jolly Yadav welcoming you back to our channel Reality 360 Degree. Guys, आज मैं आप सभी को नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 12 के सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट पर लेकर आई हूँ. Yes, I am talking about Eldico La Vida Bella जो कि कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था एंड रिसेंटली इसका रेरा रिसीव हुआ है. ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा खास है. इनफैक्ट सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है अभी से ही. इसमें क्या खास बातें हैं, क्या खास स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर आपको मिल रही हैं, ये सब चीजें मैं आपको वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ. एल्डिको ग्रुप जो कि पैन इंडिया ग्रुप है, सक्सेसफुली 200+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं एंड ये उनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है. सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सारी एक एक डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन में सिचुएटेड है. सिविटेक स्ट्रिंग्स प्रोजेक्ट से जो अवेयर है उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग की लोकेशन रहेगी. इनफैक्ट यहाँ से आपको कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी मिल जाती है. गौर सिटी सेंटर की मैं बात करूँ, किसान चौक जिसे कहा जाता है, वो यहाँ से अराउंड 8 से 9 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. परी चौक आपका 15 मिनट की दूरी पर रहेगा. उसके साथ साथ नोएडा यहाँ से आपका 12 मिनट के दूरी पर रहेगा. आसपास मेजर हॉटस्पॉट्स भी आपको कई सारे मिल जाते हैं. मॉल्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, अगेन 8 से 9 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर. गौर सिटी सेंटर की बेल्ट पर यहाँ पर आपको मल्टीपल मॉल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे. साथ ही साथ स्कूल्स यहाँ पर काफी सारे हैं. 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको 10 से 12 ऑपरेशनल स्कूल्स मिल जाते हैं. सर्वोदय हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, ये आपके 5 से 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेंगे. यूनिवर्सिटीज की भी बात कर लेते हैं तो परी चौक की कनेक्टिविटी आपको मिल रही है, जहाँ से आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की भी एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है. साथ ही साथ सबसे पहले मैं शुरुआत में आपको बिल्डर के बारे में बताना चाहूंगी. एल्डिको बिल्डर 1985 से एक्टिव है एंड अभी तक 5 स्टेट्स में ये अपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं. यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब जैसे स्टेट्स में इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स आज के टाइम में प्रेजेंट हैं. 200+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं सक्सेसफुली. एनसीआर रीजन की भी हम बात करें तो इस रीजन में भी, इनफैक्ट नोएडा में ही ये 6 से 7 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं, जिनकी लिस्ट आपके लिए स्क्रीन पर मौजूद है एंड ये उनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है. बिल्डर पर किसी भी तरीके के कोई ड्यूज नहीं है, क्लीन चिट है. इनफैक्ट फुली पेड अप लैंड पर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है. गाइस, एल्डिको ला विदा बेला ये बेसिकली प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है एंड 4 एकर्स के एरिया में डेवलप हो रहा है. प्रोजेक्ट में इन टोटल आपके 5 टावर्स रहेंगे, बेलिसिमो एंड मैग्निफिको के नाम से. बेलिसिमो में आपके 3 टावर्स रहेंगे एंड उसमें आपके 3 BHK की यूनिट्स रहेंगी. साथ ही साथ मैग्निफिको में आपके 2 टावर्स रहेंगे एंड इसमें आपके 4 BHK एंड 4+ सर्वेंट की यूनिट्स रहेंगी. बेलिसिमो में आपके 1 फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे 3 लिफ्ट्स के साथ एंड मैग्निफिको में आपके 1 फ्लोर पर सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे 2 लिफ्ट्स के साथ. गाइज, यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स मिल जाती हैं, तो इसके साइजेस आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन हैं. बट उसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल यूनिट्स भी हैं. जी हाँ, इसका मतलब ये है कि कुछ यहाँ पर ऑड साइजेस भी हैं जिसकी मेजर इन्वेंट्रीज नहीं है, मेजर यूनिट्स नहीं है, बट वो भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे. उसमें 2 and 3 BHK के साइजेस रहेंगे, सो उसके साइजेस भी आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन्ड है. बट गाइज, ये यूनिट्स मोस्टली सोल्ड आउट हो चुकी हैं. इनफैक्ट यहाँ पर 3 BHK की भी लिमिटेड इन्वेंट्रीज ही बची हुई हैं. मेजरली फिलहाल यहाँ पर 4 BHK की यूनिट्स हैं. टावर्स की हाइट G+22 and G+19 फ्लोर की रहेगी. एक टावर है जिसकी G+19 रहेगी, बाकी आपके G+22 के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्ड हो रहे हैं. पूरा प्रोजेक्ट 100% माइवान फ्रेमवर्क पे रहेगा. यहाँ पर आपकी एक एंट्री यानी एक एग्जिट मिल जाती है, जिसमें आपको मल्टी लेयर सिक्योरिटी भी मिल जाएगी. नाउ लेट्स ऑल्सो डिस्कस दी अमेनिटीज दैट आर बीइंग ऑफर्ड इन एल्डिको ला विदा बेला. तो इस प्रोजेक्ट में आपको ऑलमोस्ट 2 एकर्स का एक पार्क डेवलप करके दिया जाएगा, विच विल ऑल्सो इंक्लूड दी आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी क्लब हाउस. तो क्लब हाउस यहाँ पर 26,000 स्क्वायर फीट के साइज में डेवलप होगा
एंड ये G+2K कॉन्सेप्ट पर रहेगा, जिसमें आपको रूफ टॉप पर स्विमिंग पूल मिल जाता है, प्लस क्लब हाउस के अंदर आपको हाई एंड अमेनिटीज मिल जाएंगी। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आपका स्क्वाश रहेगा, बिलियर्ड्स, जिमनेजियम, इंडोर गेम्स, साथ ही साथ कैफेटेरिया, बैंकेट हॉल जैसी फैसिलिटीज भी प्रेजेंट रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज भी रहेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आपका क्रिकेट पिच, बास्केटबॉल कोर्ट, फुल बास्केटबॉल कोर्ट रहेगा, बैडमिंटन कोर्ट्स आपके प्रेजेंट रहेंगे, पिकल बॉल, ओपन जिम, आउटडोर चेस एरिया जैसी आपको यहाँ पर अमेनिटीज मिल जाएंगी। सो यहाँ पर आपको अमेनिटीज हाई एंड सेगमेंट की मिल जाती हैं। So guys, that was the little overview of the project LDCO La Vida Vela. And now we are towards the end of this video. सबसे पहले मैं आपको एंड में थोड़ा सा इस सेक्टर के बारे में बताना चाहूंगी। सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन, ये आपका न्यूली डेवलप्ड सेक्टर है जहाँ पर कई बिल्डर्स एट प्रेजेंट आ चुके हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अभी जो बिल्डर्स प्रेजेंट हैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पर सिविटेक आ चुके हैं, फ्यूजन आ चुका है, एडीएस इज हियर, काउंटी ग्रुप इज हियर, उसके साथ साथ यहाँ पर महागुण ग्रुप भी आज के टाइम में प्रेजेंट है। एंड फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में यहाँ पर स्कोप ऑफ डेवलपमेंट काफी ज्यादा है। इनफैक्ट इन कमिंग ईयर्स मेनी रेनाउंड बिल्डर्स विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग दिस सेक्टर। गोदरेज की उम्मीद की जा रही है कि गोदरेज भी इस सेक्टर में इन फ्यूचर आने वाले हैं। इनफैक्ट ये काफी ज्यादा लो डेंस सेक्टर है। एक कंप्लेंट काफी रहती है होम बायर्स में कि गौर सिटी सेंटर का एरिया काफी ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है। तो वो दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ये आपका अथॉरिटी ने ही यहाँ का FAR फिक्स किया हुआ है एंड ये आपका ओवर पॉपुलेटेड कभी नहीं होगा। काफी ज्यादा लो डेंस सेक्टर है, इनफैक्ट प्रीमियम सेक्टर है नोएडा एक्सटेंशन का। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अथॉरिटी पार्क्स भी मिल जाएंगे विच आर रेयर टू फाइंड इन द गौर सिटी सेंटर एरिया। So guys, these are the plus points of this sector. Now coming back to the project. So ये project आपका fully paid up land पे develop हो रहा है. There are no dues on the builder. In fact, इस project को SBI and HDFC ने approve भी कर दिया है. So registry का भी कोई issue यहाँ पर नहीं रहेगा. Now other than that, यहाँ की जो खासियत है जो कि इस project को अलग बनाती है बाकी project से, तो वो है इसकी specification and construction quality. LDCO is a renowned brand, in fact a very successful brand in the world of real estate and they are known for their quality construction. Builder ke upar kisi bhi tarike ke kabhi koi allegations nahi lagaye gaye hain and their quality shines through their work. So yahan par aapko quality construction milne wali hai plus apartment ke andar specifications aapko kafi achhi milengi. For instance builder aapko apartment ke andar 11 feet ki ceiling height ऑफर कर रहे हैं विच नो अदर बिल्डर इज ऑफरिंग इन दिस रीजन। साथ ही साथ उसके साथ आपको 5 ACs फिट करके दी जाएंगी अपार्टमेंट के अंदर। ऑल दी बेडरूम्स विल हैव वुडन फ्लोरिंग एंड रेस्ट ऑफ दी अपार्टमेंट विल हैव इम्पोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग। साथ ही साथ आपकी जैगुआर जैसे ब्रांड्स की सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो ग्लास रेलिंग्स हैं वो कम्प्लीट रहेंगी। पूरी फिनिश्ड कंडीशन में आपको यहाँ पर अपार्टमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। सो प्रोजेक्ट का एक महीने पहले ही रेरा रिसीव हुआ था एंड अकॉर्डिंग टू रेरा ये 2029 में कंप्लीट हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द बिल्डर वो इसको कोशिश करेंगे कि 2027 तक डिलीवर कर दें। सो गाइस प्रोजेक्ट काफी ज्यादा खास है एंड उससे भी खास यहाँ पर आपको अमेनिटीज एंड स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं। अगर कोई इन्वेस्टर है एंड वो इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो विद इन वन ईयर यहाँ पर आपको ROI 25-30% मिल जाएगा बहुत आसानी से। इनफैक्ट जब तक ये प्रॉपर्टी हैंडओवर होगी यहाँ का प्राइसेस, इस सेक्टर का प्राइस काफी इजिली 15,000-16,000 पर स्क्वायर फीट हो जाएगा। सो आप सोच सकते हैं यहाँ पर आपको अप्रिसिएशन भी काफी ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। एट प्रेजेंट अगर हम यहाँ की प्राइस की बात करें तो प्राइसेस आपके स्क्रीन पर मेंशन है। इनफैक्ट और साइजेस के अगर आप प्राइसेस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज प्रोजेक्ट LDCO La Vida Vela। आई होप मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर पाई हूँ एंड आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी छूट गई है एंड आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं या फिर अगेन ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. आई विल पर्सनली आंसर योर क्वेरी. एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.